हाय गाइस, आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने लगे हैं। इसका पहला सवाल है राइट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। जो हमें सवाल दिया गया है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। दूसरे नंबर पे उससे हमें क्या बोला है, पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और उनमें से प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तब्दील करना है और दूसरा है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म वो होता है जिसमें ना कोई ब्रैकेट हो और ना कोई डिनोमिनेटर हो, इसके नीचे कुछ भी नहीं होना चाहिए, बस सिंपली प्लस माइनस होना चाहिए। दूसरे नंबर पे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो होते हैं जिसमें एक्स वाली वैल्यू नहीं होती। तो अब हम सवाल अपना स्टार्ट करते हैं। सवाल स्टार्ट करने से पहले हम इसके नीचे लिख देंगे सॉल्यूशन और एक बार फिर से सवाल को वैसे ही रिपीट करके लिख देंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए ज़रूरी है कि कोई ब्रैकेट और कोई डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर इसका कोई नहीं है, तो बस हम अब इसकी ब्रैकेट ख़त्म करेंगे। अब इसको ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इसके दो तरीके हैं, अगर आप चाहें सिंपली एक्स प्लस सेवन और एक्स माइनस थ्री को ऐसे मल्टीप्लाई करें, या फिर ये पहला पेयर है ना, इसको पहले एक्स है इसको दोनों से मल्टीप्लाई करें और बाद में प्लस सेवन है इसको दोनों से मल्टीप्लाई करें। मैं दोनों तरीकों से कर देता हूँ। पहले ये एक्स है, एक्स को एक्स के साथ करेंगे, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस वैसे ही आ गया, सेवन मतलब है एक्स सेवन एक्स, या माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, थ्री मतलब है एक्स थ्री एक्स और माइनस थ्री मतलब है सेवन 21, और ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएंगे। अब करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स और माइनस थ्री एक्स, ये हो जाएगा प्लस फोर एक्स और ये माइनस 21 वैसा ही, ऐसे मल्टीप्लाई होकर भी हो जाएगा। और अगर ऐसे करें तो पहले एक्स को एक्स माइनस थ्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस सेवन को एक्स माइनस थ्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगला माइनस सेवन वैसे ही। एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वेयर, एक्स थ्री के साथ मल्टीप्लाई हुआ माइनस थ्री एक्स, प्लस सेवन एक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ प्लस सेवन एक्स आ गया, या प्लस और ये माइनस माइनस सेवन थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ 21 आ गया इज इक्वल टू माइनस सेवन। अब ये माइनस सेवन हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया, माइनस थ्री एक्स प्लस सेवन एक्स ये हो जाएगा प्लस फोर एक्स, माइनस 21 वैसे ही रहेगा, या माइनस सेवन इधर आके प्लस सेवन हो जाएगा इक्वल ज़ीरो। एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस 21 प्लस सेवन ये हो जाएगा माइनस 14 इक्वल ज़ीरो वैसे ही आ जाएगा। ये हमारा सवाल स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल गया। जैसे मैंने कहा था, कोई ब्रैकेट वगैरह या कोई डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए, बस सिंपली प्लस माइनस होना चाहिए। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब दूसरे नंबर पे उसने हमसे पूछा प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताएं। जैसे मैंने कहा था, अगर एक्स हो तो वह प्योर नहीं होगी, अगर एक्स नहीं है तो वह प्योर होगी। अब इसके पास एक्स है तो ये प्योर नहीं होगी, तो इसके नीचे आप लिख देंगे इज नॉट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा दो नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, ये इसका आंसर है। फिर से देख लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ, ये माइनस सेवन है, इसको इधर ले आएंगे, ऊपर वाला वैसे ही है नीचे आ गया, और ये माइनस सेवन इधर आके प्लस सेवन हो गया था। अब माइनस 21 और प्लस सेवन माइनस 14 हो गए और ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब हम इसी सवाल की दूसरी यूज़ करेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले भी इसके नीचे सोल्यूशन लिख के एक बार फिर से सवाल वैसे रिपीट करके लिख देते हैं। अब मैंने कहा था स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए डिनोमिनेटर ख़त्म करने हैं, तो इसका हम पहले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 21। अब तीन सात पे डिवाइड होगा 21, तो सात ऊपर इसका सात मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस वैसे ही आ गया, सात इक्कीस पे तीन बार मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, तो तीन ऊपर आ गया इसके, मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 1 वैसे ही रहेगा सवाल में। अब सात को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा सात एक्स स्क्वेयर जमा सात कुछ आठ, चार के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा, या माइनस तीन के साथ एक्स मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस तीन एक्स, नीचे माइनस 21 वैसे का वैसे ही इज इक्वल टू 1। अब ये 21 नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा सवाल सेवन एक्स स्क्वेयर प्लस 28 माइनस थ्री एक्स इक्वल 1 मल्टीप्लाई 21, 21 ही आ जाएगा। अब ये 21 हम इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा हमारा सेवन एक्स स्क्वेयर, एक्स वाली वैल्यू हम पहले लिख लेते हैं माइनस थ्री एक्स प्लस 28, ये प्लस 21 था, इधर आकर माइनस 21 हो जाएगा, इधर इक्वल ज़ीरो रह जाएगा।
7x² माइनस 3x 21 28 माइनस 21 प्लस 7 इक्वल 0। सिंपली प्लस माइनस में हो गया हमारा सार, तो ये हमारा आंसर हो गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म मेरा चेंज हो गया। अब इसमें एक्स है तो फिर ये प्योर नहीं है, इसके नीचे हम लिख देंगे इज़ नॉट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इस सवाल की अगली यूज़ करते हैं, जो है ये सवाल मैंने लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करने से पहले इसके नीचे सोल्यूशन लिख देते हैं और एक बार फिर से सवाल वैसे रिपीट करके लिखते हैं। अब इसका डिनोमिनेटर ख़त्म करना है तो इसका लेंगे एलसीएम, इसका एलसीएम आ जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस दो, एक्स माइनस टू इसके पास है और ये एक्स माइनस टू कैंसिल हो गया, यहाँ पर बस एक्स बच गया तो एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस फोर, ये हो गया ख़त्म। अब इसकी बार ये माइनस वैसे ही आ गया, इसके नीचे एक्स है तो ये कैंसिल हो गया, एक्स माइनस टू बच गया तो एक्स माइनस टू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक एक्स माइनस टू ऊपर था और एक एक्स माइनस टू इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये ऐसे आ जाएगा प्लस फोर, फोर के पास कुछ भी नहीं है तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फोर एक्स इंटू एक्स माइनस टू इक्वल ज़ीरो वैसे ही आ जाएगा आगे। इनको अब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स स्केयर एक्स फोर, अब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, अब ये डिनोमिनेटर उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर डिवाइड हो रहा था, ज़ीरो के साथ अगर कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो ज़ीरो हो जाएगी, तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, तो बस ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस फोर एक्स। अब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस इन सब का साइन, इन तीनों का साइन चेंज कर देगा, हो जाएगा माइनस एक्स स्केयर प्लस फोर एक्स माइनस फोर, ये माइनस एट एक्स वैसे ही और प्लस फोर एक्स स्केयर भी वैसे ही इज इक्वल टू ज़ीरो, ये प्लस एक्स स्केयर है ये माइनस एक्स स्केयर है, ये दोनों ख़त्म हो गए, ये प्लस फोर एक्स स्केयर और ये प्लस फोर एक्स स्केयर एट एक्स स्केयर और ये माइनस एट एक्स स्केयर एट एक्स स्केयर, एक प्लस का एक माइनस का, ये तीनों भी ख़त्म हो गए। अब हमारे पास बच गया माइनस फोर प्लस फोर एक्स स्केयर इक्वल ज़ीरो, तो तीर देते तो आ जाएगा फोर एक्स स्केयर माइनस फोर इक्वल ज़ीरो, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया हमारा आंसर। अब इसके पास x नहीं है तो फिर ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर टू स्टार्ट करेंगे जिसको हमें फैक्टराइजेशन के ज़रिए सोल्व करना है, ये हमारा क्वेश्चन है, अब हम इसको सोल्व करेंगे, इसके नीचे हम लिख देंगे सोल्यूशन और फिर से वैसे सवाल एक बार रिपीट कर देंगे। फैक्टराइजेशन इसी करनी है तो अब हम उसके पेयर बना लेंगे, एक्स स्केयर माइनस 20 आ गया, फिर वो बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई, पहले और आखिर को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास 20x², मतलब अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 20x² आना चाहिए और अगर प्लस माइनस करें तो हमारे पास खाली माइनस एक्स आना चाहिए, तो मेरे पेयर्स बनेंगे माइनस फाइव और प्लस फोर, एक्स दोनों के साथ आएगा माइनस फाइव और प्लस फोर एक्स मल्टीप्लाई होंगे दोनों, तो एक्स और एक्स एक्स स्केयर फाइव और फोर 20, इसके साथ 20 के साथ माइनस है इधर माइनस भी लगा देंगे और माइनस फाइव एक्स और प्लस फोर एक्स प्लस माइनस होंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा, ये हमारे पेयर्स बन गए माइनस फाइव एक्स प्लस फोर एक्स, माइनस फाइव एक्स प्लस फोर एक्स माइनस एक्स आ जाएगा इक्वल टू ज़ीरो, वैसे ही आ गया, कॉमा ले लें पहले दोनों में से एक्स कॉमन लेंगे आ जाएगा एक्स माइनस फाइव, अगले दोनों में से प्लस फोर कॉमन लेंगे तो आ जाएगा एक्स माइनस फाइव इक्वल ज़ीरो, ऐसे ही ये दोनों हमारे दोनों का कॉमन सेम है तो मतलब हमारा सवाल ठीक है, इसको हम इकट्ठा लिख देंगे और जो हमारा कॉमन है उसको हम बस एक बार लिख देंगे इक्वल ज़ीरो, ये दोनों इक्वल ज़ीरो, अब इनको अलहदा लहदा इक्वल ज़ीरो रखेंगे, एक्स प्लस फोर इक्वल ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू ये प्लस फोर है इधर जाकर माइनस फोर हो जाएगा, इधर एक्स माइनस फाइव इक्वल ज़ीरो, इधर माइनस फाइव है इधर जाके प्लस फाइव हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया माइनस फोर और फाइव। अब हम क्वेश्चन नंबर टू की पाँचवीं चूज़ करेंगे जो हमारे पास ये है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे छोटा सा सोल्यूशन लिख देंगे और फिर से सॉल्व वैसा का वैसे लिख देंगे।
इस साइड पे हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम में हमारे पास आ जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस वन। इसके पास एक्स है, इसके पास भी एक्स है, ये दोनों कैंसिल हो गए, एक्स प्लस वन बच गया। तो एक्स प्लस वन इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक एक्स प्लस वन इसके पास पहले भी आया और एक और आ गया, तो ये दो हो जाएगा, स्क्वायर इसके ऊपर आ जाएगा, प्लस वैसे ही आ गया। एक्स प्लस वन इसके पास भी, इसके पास भी आ जाए, दोनों कैंसिल हो गए, एक एक्स ये है, ये एक्स बच गया, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक एक्स ऊपर पहले भी था, एक एक्स ये है, ये दो एक्स हो गए। इस साइड पर 25/12 ऐसे ही आ जाएगा। स्केयर ओपन करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 2x+1, ये एक्स स्केयर वैसे का वैसे ही, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो नीचे वाले डिनोमीटर आ जाएंगे, एक्स स्केयर प्लस एक्स इज इक्वल टू 25/12। ये भी एक्स स्केयर, ये भी एक्स स्केयर, ये 2x² हो गए, 2x+1 वैसे ही आ गया, ओवर एक्स स्केयर प्लस एक्स वैसे ही आ गया, ओवर 25/12। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 × 2x² + 2x+1 इज इक्वल टू 25 × x² + x। 12 × 2 होगा तो आ जाएगा हमारे पास 24x² + 24x + 12 इज इक्वल टू 25x² + 25x। एक्स की वैल्यू इधर बढ़ी है तो ये सारे को इधर ले जाएंगे हम, तो आ जाएगा हमारे पास 25x² + 25x। ये तीनों इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, -24x² - 24x और -12 इक्वल टू 0। 25x² और -24x² ये हो जाएंगे खाली x², 25x - 24x + x, और ये -12 वैसे ही इज इक्वल टू 0। अब हम इनके पेयर बनाएंगे, ये -12 है और ये x² है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -12x² हो जाएगा और दरमियान में हमारे पास x है। मतलब हमने ऐसे पेयर बनाना है जिनको मल्टीप्लाई करें तो -12x² हो जाए और जिनको प्लस माइनस करें बस एक्स आए। तो हमारे पास पेयर सो होंगे +4x और -3x, एक्स एक्स मल्टीप्लाई हो गया, x² हो जाएंगे और 4 और 3 मल्टीप्लाई होंगे 12 हो जाएंगे और ये साथ माइनस आ जाएगा। अगर प्लस माइनस करें 4x - 3x खाली एक्स प्लस का बच जाएगा। ये हमारे पेयर आ गए x² + 4x - 3x - 12 = 0। पहले दोनों में से x कॉमन आ गया, x+4, अगले दोनों में से -3 कॉमन आ गया, ये माइनस इस माइनस को प्लस चेंज कर देगा, +4 = 0। ये हमारे पास आ गया, x-3 इकट्ठा लिख देंगे और जो हमारे पास कॉमन आया x+4 इसको बस एक बार ही लिखेंगे, इज इक्वल टू 0। अभी हमारे पास दोनों इक्वल 0, इनको अलहदा अलहदा इक्वल 0 रखेंगे, x-3 भी इक्वल 0 और x+4 भी इक्वल 0। ये इधर -3 है तो जाकर +3, एक्स इक्वल टू 3, ये x+4 है तो जाकर -4, एक्स इज इक्वल टू -4। ये हमारे आंसर्स आ गया -4 और 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की 6वीं चूज़ करेंगे। ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, अब इसको हल करेंगे तो इसके नीचे सोल्यूशन लिख के एक बार फिर से सॉल्व ऐसे रिपीट कर देते हैं। x-9 इज इक्वल टू 1, x-3 - 1/x-4। अब हम इस साइड पे एलसीएम ले लेते हैं, ये 2 ओवर x-9 वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में दोनों ही आ जाएंगे, x-3 और x-4। ये x-3 इसके पास भी, इसके पास भी, ये कैंसिल हो गए, x-4 बच गया, तो इसके साथ x-4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस वैसे ही आ गया। इसके पास भी x-4 है, इसके पास भी x-4 है, ये कैंसिल हो गए, x-3 बच गया, ये इसके साथ इसके पास आ जाएगा x-3। इधर 2 ओवर x-9 वैसे ही आ गया, ये हो जाएगा x-4, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस इन दोनों का साइन चेंज कर देगा, ये -x और +3 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x² - 7x + 12। 2 ओवर x-9 इज इक्वल टू -x और +x ख़त्म, ये -4 है और ये +3 है, ये -1 हो जाएगा और ये x² - 7x + 12 आ गया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको इसके साथ और इसको इसके साथ,
टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू माइनस वन इंटू एक्स माइनस नाइन। टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टीन एक्स प्लस 24 इक्वल माइनस एक्स प्लस नाइन। अब इन दोनों को हम इधर ले आएंगे, टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टीन एक्स प्लस 24 प्लस एक्स माइनस नाइन। टू एक्स स्क्वायर वैसे ही माइनस फोर्टीन एक्स और ये प्लस एक्स है तो ये हो जाएगा माइनस थर्टीन एक्स, 24 और माइनस नाइन ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 15 इक्वल ज़ीरो। अब हमने पेयर बनाने हैं, 15 और 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30x² और ये हमारे पास दूसरे नंबर पे माइनस 13x। तो हमने वो पेयर्स बनाने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 30x आ जाएगा और प्लस माइनस करेंगे तो माइनस 13x आ जाएगा। तो वो हमारे पेयर्स बन गए माइनस 10x और माइनस 3x। माइनस 10x एक्स और एक्स मल्टीप्लाई हो गया एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, या माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गए प्लस हो जाएंगे, इसके साथ भी प्लस ही है। 10 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 30 हो जाएगा। इनको प्लस माइनस करें माइनस 10x और माइनस 3x माइनस 13x हो जाएंगे। तो अब हम पेयर्स रखते हैं अपने, 2x² माइनस 10x माइनस 3x प्लस 15 इक्वल ज़ीरो। पहले दोनों में से 2x कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x माइनस 5, अगले दोनों में से माइनस 3 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x माइनस 5, या माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा इज इक्वल टू ज़ीरो। अब 2x माइनस 3 हम इकट्ठा लिख देंगे और x माइनस 5 हम एक बार लिखेंगे, ये दोनों इक्वल ज़ीरो हैं। अब इनको अलग अलग ज़ीरो के इक्वल रखेंगे, 2x माइनस 3 इक्वल ज़ीरो, 2x इक्वल 3, x इज इक्वल टू 3/2। अगला हमारे पास x माइनस 5 इक्वल ज़ीरो, तो x इज इक्वल टू 5, इधर माइनस का था इधर जाकर प्लस हो जाएगा, 3/2 और 5 हमारे आंसर्स आ गए।